कांडा में दीपावली के बाद भैया दूज के दूसरे दिन से रामलीला कमेटी कांडा के तत्वाधान में रामलीला मंचन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मैदान समतलीकरण का कार्य जेसीबी मशीन लगाकर रामलीला कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है। कांडा की ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन 62 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और इस बार भी रामलीला के मुख्य पात्रों की भूमिका बेटियों द्वारा निभाई जाएगी। रामलीला कमेटी कांडा के पदाधिकारियों ने सभी से इस राम यज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया है। रामलीला कमेटी के इस पावन शुरुआत के अवसर पर हम सब क्षेत्र की जनता की ओर से चैनल का धन्यवाद करते हैं कि इनके द्वारा मीडिया में हमारे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रों के जो भी इस कमेटी के शुभचिंतक हैं उनको हम कमेटी की ओर से बताना चाहते हैं कि हमारी रामलीला कमेटी की तैयारी के लिए अभी हमारा जो ये रामलीला फील्ड का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है। तालीम की शुरुआत हमने 28 सितंबर से हमारी शुरुआत हो चुकी है। लगभग दिवाली के बाद हम रामलीला का मंचन यहाँ पर उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और समस्त हमारे कम्युनिटी के संरक्षक पदाधिकारी और सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ करके इस कमेटी के सहयोग के लिए यहाँ पर भागीदारी कर रहे हैं और हमारे छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे यहाँ पर तालीम के छुट्टी के बाद जो है यहाँ पर तालीम कक्ष में आकर के जो है तालीम मास्टर सहित सभी लोग जितने भी रामलीला के जानकार सयाने लोग हैं वहाँ पर सुबह शाम अपना पूर्ण समय देते हुए बच्चों की रिहर्सल करा रहे हैं। अभी 2-3 दिन में हमारा जो है पात्रों का सिलेक्शन पूरा हो जाना है। तो इसी के निमित्त मैं पुनः से अपने कांडा क्षेत्र सहित पूरे खमसार क्षेत्र और पूरे बागेश्वर जनपद के अंदर जो हमारा ऐतिहासिक रामलीला का मंचन यहाँ पर 62 वर्षों से होते आ रहा है तो इसको सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी हम चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर और माँ काली की कृपा से हम इस यज्ञ को इस धर्म के काम को कर रहे हैं। इस रामलीला को करने के लिए हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्गों से हमें सभ्यता और ये शिक्षा ये संस्कार हमें विरासत में मिले। आज हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को इन संस्कारों को इस सभ्यता को इस शिक्षा को अपने बच्चों को दें। उसके तहत इस क्षेत्र में एक भव्य रामलीला आयोजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इस रामलीला आयोजन के में हमारे श्रीमान बड़े भाई गोसाई सिंह धपुरा जी जो कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं और समस्त रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों द्वारा इस रामलीला को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। 3 दिन से हमारे यहाँ कांडा में बच्चों के लिए तालीमें शुरू हो गई हैं। उसमें तालीम में हमने बेटियों और बेटों सभी को आमंत्रित किया है। सभी बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में इनका फाइनल राउंड भी होगा, उसके बाद सभी बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करता हूं कि इस रामलीला जो कि हमारे दिवाली के इसी के बाद प्रारंभ होगी, आप आइए इस दिव्य और भव्य रामलीला को और सुंदर बनाने के लिए आपका सहयोग हमारे लिए प्रार्थनीय है। सीसीएन न्यूज के लिए कांडा से पंकज दसीला की रिपोर्ट।